दोस्तों गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि विस्की की तरफ देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। हो सकता है कि आप लोगों को भी ऐसा ही फील हो रहा हो, क्योंकि भाई गर्मी सच में काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो आज इस चैनल पे एक ठंडी ठंडी बियर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वूहो विटवियर। आज इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। बाय द वे कल होली थी, अभी तक मेरे कलर्स हाथों पे या फिर चेहरे से गए नहीं हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, क्योंकि ऐसे हाथों के साथ मैं कभी वीडियो में नहीं आया। भाई मेरी तो होली काफ़ी अच्छी निकली, आप लोगों की होली कैसी रही प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ, मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द विस्की पीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है, गर्मी अब डेली बढ़ ही रही है, तो ऐसी गर्मी में बियर पीने का अपना ही मज़ा आता है। इनफैक्ट जो बियर हम दोपहर को पीते हैं ना भाई, उसका तो अलग ही मज़ा होता है। तो ये जो वीट बियर होती है, ये लाइट बियर होती है, इनको दोपहर में पीने का अपना ही एक मज़ा होता है, अपनी ही एक इसमें एक आपको एक ऐसा एहसास मिलेगा कि यार गर्मी भी दूर हो गई, टेस्ट भी इसका काफ़ी लाइट होता है। तो आज डिटेल रिव्यू करेंगे बूहो की वीट बियर का। तो जल्दी से मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कुछ पड़ा है और मैंने इसको कहाँ से बाय किया है। तो दोस्तों इसमें पड़ा है वाटर, उसके बाद बार्ले मॉल्ट, वीट, ओट्स, कोरिएंडर, ऑरेंज पील, होप्स एंड ईस्ट। ये एक बेल्जियम वीट बियर है, इसको इंपोर्ट किया जाता है। ये एक 500 ml का कैन है। तो ये कैन मैंने चंडीगढ़ से बाय किया था और वहाँ से मुझे ये 100 रुपीज़ का मिलेगा। 100 रुपीज़ बहुत बढ़िया प्राइस है। इसमें जो आपको एल्कोहल स्ट्रेंथ मिलेगी, ये अप टू 4.9% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगी। ये आपको गोवा में मिल जाएगी, दिल्ली में मिल जाएगी, चंडीगढ़ में मिल जाएगी, महाराष्ट्र में मिल जाएगी, हरियाणा में मिल जाएगी। सभी स्टेट्स में ये नहीं मिलती, वैसे कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये मिल जाती है। तो अब मैं जल्दी से इसको पोर करता हूँ ग्लास में, करते हैं इसकी नोजिंग एंड टेस्ट। दोस्तों कैन तो इसका काफ़ी अच्छा है, वाइट कलर में आता है, उसके ऊपर एक आउल भी बना हुआ है जो कि देखने में काफ़ी फंकी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब जल्दी से इसको पोर करते हैं। दोस्तों इसकी जो फ्रोथ है वो सेटल डाउन हो चुकी है। भाई जो इसका कलर है ना, बिल्कुल जूस जैसा है, जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा लग रहा है। भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। तो जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं। चीयर्स। वाओ, ऑन द नोज धनिए का, कोरिएंडर का काफ़ी अच्छा अरोमा आ रहा है और ऑरेंज का, ऑरेंज पील का काफ़ी अच्छा अरोमा इसमें आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक क्रीमी नोट्स इसमें आ रहे हैं, भाई मेरे से तो अब रुका नहीं जा रहा है, जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। भाई पहला सिप लिया तो मन नहीं भरा, जल्दी से दूसरा सिप लिया। इतनी ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा लाइट है, ऑरेंज का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। भाई मुझे लग रहा है कि मैं 2-3 सिप और लेके पूरी बियर ही पी जाऊंगा, इतनी ज़्यादा मुझे पीने में अच्छी लगी। काफ़ी ज़्यादा लाइट है, दोपहर को पीने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। 100 रुपीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हल्का हल्का जिंजर मुझे इसमें मिल रहा है, भाई काफ़ी अच्छा टेस्ट है ये। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा वो दूंगा भाई प्राइस के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से, वो दूंगा 8.9 out of 10। मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो जियो।